हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं फाइनली इन प्रोडक्ट्स पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। ये चार प्रोडक्ट हैं फ्रॉम वन थिंग। मेरे पास सेंटेला है, प्रोपलिस है एंड नायासिनामाइड है, और इनका ये लिप असेंस है। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट दिस 10% नायासिनामाइड। इस तरह की क्लियर बॉटल पैकेजिंग है। 150 ml का प्रोडक्ट है ये। आई थिंक ये 1100 समथिंग का था, या आई डोंट रिमेम्बर कितने का था। इतने के ही है ये, 1000-1200 इतने के ही हैं। तो इस तरह की पैकेजिंग है। यहाँ से नोजल होती है जहाँ से आपको इसको प्रोडक्ट को लेना होता है। इसमें 10% नायासिनामाइड है। उसके अलावा इसमें कुछ ह्यूमेक्टेंट्स एंड ग्लाइकॉल, बस वही सब डाला हुआ है। सो इट्स अ प्लेन नायासिनामाइड। तो ये इस ब्रांड की एक यू कैन से कि इनकी यूएसपी है कि ये एक सिंगल इंग्रेडिएंट के साथ प्रोडक्ट को बनाते हैं। उसके अलावा और कुछ भी उसमें नहीं होता है। सो जैसे कि अगर मान लो आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर और कंकॉक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स नहीं हैंडल कर पाती है, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सूटेबल हैं उन लोगों के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ नायासिनामाइड है, उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला हुआ है। तो आप लगा सकते हो हिसाब कि ये ऑलमोस्ट सभी स्किन टाइप पे बहुत आराम से सूट हो जाएगा। नाउ क्या ये सच में इफेक्टिव है या नहीं, उसके लिए सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको हाफ तक मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, और मैं इसीलिए इन पे टाइम ले रही थी बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं अच्छा खासा इनको टाइम दे दूँ, तभी मैं अपना एक माइंड बना सकूँ कि हाँ सच में दे वर्किंग और नॉट। इट्स अ ब्यूटीफुल नायासिनामाइड सीरम, और मैं इसको प्रेफर करती हूँ यूज़ करना आफ्टर एक्सफोलिएशन, और विद से केमिकल एक्सफोलिएशन, बिकॉज ये बिल्कुल प्लेन नायासिनामाइड है, इसमें और कुछ भी नहीं डला हुआ है। तो आप इसको ईजिली लेयर अप कर सकते हो विद योर केमिकल एक्सफोलिएंट्स। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल, जैसे मैं लैक्टिक एसिड सीरम यूज़ करती हूँ 10%, तो उसके बाद आई प्रेफर टू यूज़ दिस एक्सट्रैक्ट लाइक दिस नायासिनामाइड इंस्टेड ऑफ माय अदर नायासिनामाइड, जिनके अंदर और जैसे विटामिन सी डले हुए हैं, या फॉर एग्जांपल जिसमें आर्बिटिन डले हुए हैं। तो मैं वो वाले थोड़ी सी मैं स्केप्टिकल हो जाती हूँ कि अगर मैं इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके लगाऊंगी तो कहीं रिएक्शन ना हो जाए, सेंसिटिविटी ना हो जाए। सो उस केस में दिस कम्स वेरी वेरी हैंडी। बट मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा एक ड्रास्टिक चेंज अपनी स्किन पे नहीं दिखा कि मार्क्स लाइट हुए या स्किन ब्राइटनेस एंड वो सब ग्लो वगैरह, वो मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। बस हाँ, मुझे ये होता है कि हाँ इट सर्व द पर्पज ऑफ नायासिनामाइड आफ्टर माई केमिकल एक्सफोलिएशन। सो दैट इज़ इट। ओवरऑल इट्स अ प्लेन नायासिनामाइड। अगर आप पे कोई और नायासिनामाइड सूट नहीं करता है, जैसे किसी में एलोवेरा डला होता है, किसी में कुछ डला होता है, किसी में कुछ डला होता है, तो अगर आपको वो वाले सीरम्स नहीं सूट करते हैं तो यू दिस वन इज़ द ऑप्शन फॉर यू। यू कैन चेक दिस आउट, बट डोंट एक्सपेक्ट कि आपके मार्क्स को लाइटन अप कर देगा। मे बी कर भी दे, अगर आप कंटिन्यूटी में इसको 2-3 महीने यूज़ करोगे तो शायद आपके मार्क्स को भी लाइट कर दे, बट इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव ऑन मार्क्स। दूसरा है यहाँ पे ये प्रोपोलिस एंड हनी एक्सट्रैक्ट। नाउ आई डोंट नो, एक तो इनकी जो ये इस पे तो क्या ही मेंशन होगा, इवन ये जो इनकी बाहर की पैकेजिंग्स हैं इन पे भी कुछ भी मेंशन नहीं है कि कितना क्या है, कितना क्या है, कहीं पे कुछ नहीं लिख रखा कि कितना परसेंट प्रोपोलिस है, कितना परसेंट आपका ये है। मतलब कोरियन लैंग्वेज में कुछ तो लिखा हुआ है, बट आई कॉन्ट रियली टेल यू कि कितना क्या क्या, किस में क्या क्या डला हुआ है। सो इसका आप देख सकते हो, मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाई हूँ, ये सिर्फ इतना ही ख़त्म हो पाया है, बिकॉज मुझे ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं लगा। आई डोंट नो, मैं इसकी तरफ, मैं मेरा हाथ ही नहीं बढ़ता है इसकी तरफ। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये मे बी, पता नहीं मैंने किस बेवकूफ़ की बात सुनी थी और उससे इन्फ्लुएंस होकर मैंने ये ले लिया था। समबडी सेड कि ये जो कॉजरेक्स का प्रोपोलिस टोनर है उसका आप ड्यूप बोल लो या उसके जैसा ये है, तो मैंने सोचा कि यार फिर तो अच्छा है कि ये 1000 रुपये का कुछ था और वो 1500 या 1700 का मिलता है, अलग अलग साइट पर अलग अलग प्राइस है। सो आई थॉट कि अगर ये उसके जैसा है देन वाई नॉट, लेट्स ट्राई दिस वन आउट। मैंने बहुत ज़्यादा होप के साथ इसको लिया था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, एंड यू कैन टेल कि मैं कुछ भी इसको यूज़ नहीं कर पाई हूँ। जितना टाइम मैंने इसको यूज़ किया मुझे मज़ा ही नहीं आया। वाटरी सा टेक्स्चर है, जैसे कॉजरेक्स का है, दैट हैज़ वेरी नाइस स्लिप, उसको यूज़ करके ग्लोई सा फेस आपको फील होता है, वो इसके साथ नहीं है। इट्स वेरी वेरी लाइट, वाटरी सा है, तो मुझे उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया इसको यूज़ करके। बट हाँ, इफ़ दिस वर्क फॉर यू, अगर आप इसको यूज़ करते हो अच्छा लगता है देन ठीक है, बट मुझे नहीं पता मैं इसको कैसे फिनिश करूँगी। आई थिंक मैं बॉडी पे ही लगा के इसको ख़त्म करूँगी, बिकॉज फेस पे मुझे उतना ज़्यादा इफेक्टिव सा नहीं लगता है, तो मुझे तो
पसंद नहीं आया, बट हाँ ठीक है, इफ़ यू वॉन्टेड टू ट्राई यू कैन, बट इंस्टेड ऑफ दिस आई वुड से आप कॉजरेक्स का ही प्रॉपरली ट्राई करना, और वो आप लेना ब्यूटी बांध से, ब्यूटी बांध पे वो 1450 का है, तो सबसे चीपेस्ट वो वहीं पे है, तो अगर मुझे भी वो रिपर्चेज करना होगा इन फ्यूचर तो मैं वहीं से करूँगी, आई होप तब तक प्राइस ना चेंज हो गया उसका, तो वो ज़्यादा बेटर है, ये उतना अच्छा नहीं है, लाइक मुझे नहीं, पर्सनली मुझे नहीं अच्छा लगा। थर्ड है इनका ये वन थिंग का मॉइस्चराइजिंग लिप असेंस, आई लव द पैकेजिंग, ये ट्यूब पैकेजिंग है तो मुझे ये ट्यूब पैकेजिंग ज़्यादा अच्छी लगती है as compared to the tub, because उसमें बार बार फिंगर डिक करनी होती है और बार बार फिर यू नो उसको लगाओ, तो कभी अगर आप बाहर ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपके हाथ गंदे हैं और आपको ज़रूरत है लिप बाम की, तो आप कैसे उसको लगाओगे, तो उस टाइम पे ये मेरे को ज़्यादा यू नो कन्वीनियंट लगते हैं, तो ट्रैवलिंग के टाइम पे आई प्रेफर अ ट्यूब वाले ये वाले लिप बाम, यू नो जस्ट बस निकालो और लगा लो, तो उसके लिए This one is great. I love the packaging. Now, इसके अंदर I think first ingredient ही petroleum था या second ingredient इसके अंदर petroleum था. It's quite hydrating. I won't say कि it's very very thick और बहुत ज़्यादा ऐसे thick नहीं है, but it's a beautiful one. मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है. You guys know कि मुझे light जो you know watery से lip balm होते हैं मुझे वो अच्छे नहीं लगते, मुझे थोड़ी सी thick consistencies पसंद है, तो ये ना तो बहुत ज़्यादा thick है और ना ही बहुत ज़्यादा watery है, medium सी consistency है, मॉइस्चराइज योर लिप्स वेरी वेरी वेल, काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज करता है आपके लिप्स को, ब्यूटीफुल वन, यू कैन गो फॉर दिस वन. इसका जो टेक्स्चर है वही पेट्रोलियम जेली जैसा ही आपको फील होगा जब आप इसको अप्लाई करोगे, हल्का सा वाटरी लग सकता है, जैसे आप इसको स्प्रेड करोगे तो एकदम पेट्रोलियम जेली जैसा ही ट्रांसपेरेंट क्लियर लिप बाम है, कोई इसमें फ्रेग्रेंस नहीं है, विच इज़ ग्रेट एंड ब्यूटीफुल वन, यू कैन गो फॉर दिस वन, हाईली रिकमेंडेड. लास्ट है ये सेंटेला एशियाटिका. नाउ इसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, रिव्यू भी नहीं आप बोल सकते, उसका फर्स्ट इंप्रेशन बोल सकते हो, जिसमें मैंने वेज बताए थे कि हाउ यू कैन यूज़ दीज एक्सट्रैक्ट्स लाइक तीन चार तरह से जो मैंने आपको दिखाया था. इफ़ यू हैव मिस दैट आई एम गोना गिव द लिंक हियर, यहाँ से उसको चेक कर लेना. तो अब ये ख़त्म हो चुका है, उस टाइम पे आई थिंक इतना सही था ये, तो इसका फाइनल वर्ड्स मैं यही दूंगी कि मैंने उसमें बोला था कि इट्स पता नहीं मैंने क्या बोला था उसमें, तो मुझे ये पहले उतना ज़्यादा सूदिंग एंड हाइड्रेटिंग नहीं लगता था, बट उसके बाद मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको अपने जो मेरी स्प्रे बॉटल वाली जो पैकेजिंग्स होती हैं मैंने उसमें इसको पोर किया था, एंड देन मैंने इसको स्प्रे फॉर्म में यूज़ किया था, दैट देन दिस हैज़ वर्कड रियली रियली वेल. लाइक ऐसे डायरेक्टली पोर करके लगाना, मुझे पर्सनली इस तरह के जो वॉटरी टेक्स्चर्स हैं मुझे वो डायरेक्टली पोर करके लगाने अच्छे नहीं लगते, या तो आप उसको कॉटन पे डाल के स्वाइप करो वो एक बेटर ऑप्शन है, या आप किसी इसको स्प्रे वाली बॉटल में डाल के देन स्प्रे करो, तो ये ज़्यादा कूलिंग एंड सूदिंग इफेक्ट्स देता है, काफ़ी ज़्यादा सूदिंग है, मॉइस्चराइजिंग मिन मैं नहीं इसको बोलूँगी कि ये मॉइस्चराइजिंग है, बिकॉज सेंटेला है तो सेंटेला से आप क्या वो लगाओगे, इट्स एंटी ऑक्सीडेंट है, सूदिंग एंड कामिंग इफेक्ट्स आपको दे सकता है, रिपेयरिंग वाले बेनिफिट्स आपको दे सकता है, मॉइस्चराइजिंग वाले आपको बेनिफिट्स ये नहीं देगा, बट हाँ अगर आप एक सेंटेला एशियाटिका वाला प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो आप ये भी ट्राई कर सकते हो. एंड बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि यू नो कॉजरेक्स का सेंटेला बेटर है या ये बेटर है. देखो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप पे कौन सा ज़्यादा सूट करता है, मुझे वो ज़्यादा सूदिंग लगता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, दो आई नो कि बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाता है बिकॉज उसकी क्वांटिटी वैसे तो ठीक है, आई थिंक 150 ml की है, बट वो स्प्रे फॉर्म में है और स्प्रे फॉर्म में जल्दी प्रोडक्ट ख़त्म होता है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा वो वेस्ट भी होता है. बट हाँ अगर आप ये लेना चाहते हो अब इसकी तरफ जा सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है, बट अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं कॉजरेक्स वाला ही बोलूँगी बिकॉज आई डोंट नो दैट हैज़ समथिंग स्पेशल, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है. ये भी अच्छा है, यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस वन. सो या गाइज ये था मेरा एक्सपीरियंस ऑन दीज वन थिंग के प्रोडक्ट्स. आई होप आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है इस वीडियो से, मिली है तो थम्सअप ज़रूर दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना. मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.